जय हिंद। चलिए देखते हैं बिहार सिविल कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर टाइपिंग टेस्ट, जो कि कल से स्टेनोग्राफर का टाइपिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि क्या टाइपिंग में जो है कितना मैटर दिया जाएगा, कितना वर्ड्स रहेंगे, है ना। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों टाइपिंग्स के बारे में जानेंगे हम लोग, है ना, स्टेनोग्राफर के बारे में जानेंगे। ये सभी के लिए वीडियो है, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी जो अपडेट किया जाता है आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है सीधे चलते हैं वीडियो पे। वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि क्या जो है टाइपिंग में वर्ड्स हाईलाइट होंगे, क्या स्क्रॉल होगा ऑटो, या खुद से हमको करना होगा, या जो है बैक स्पेस अलाउड है कि नहीं है, फिक्स वर्ड कितने रहेंगे, कितने का स्पीड रहेगा, ठीक है, कितने मिनट में हमको टाइप करना है, क्या पहले सबमिट कर सकते हैं। तो सारे जितने भी डाउट्स हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आप लोग वीडियो जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सारे कुछ जो है इसी वीडियो में मिल जाएगा आप लोग को, जो भी डाउट है मन में। अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम में है लिंक, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ से कोई भी सूचना दे दिया जाता है। ठीक है, कोई भी वीडियो हो या कोई भी नोटिस वगैरह आता है तो आपको टेलीग्राम में दे दिया जाता है। यदि और भी कोई दिक्कत है कमेंट के अलावा तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं। चलिए हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो है जब ऑफिशियल रिजल्ट जारी किया गया था तो उस समय ये चीज़ बताया गया था स्किल टेस्ट के बारे में। स्किल टेस्ट मीन्स यानी टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, और स्टेनोग्राफर और टाइपिंग दोनों के मैं बारे में बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे जो टाइपिंग टेस्ट दिया गया है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों के किया गया। ठीक है, 50 मार्क्स का पता है आप लोग को टाइपिंग है। ठीक है, तो 50 मार्क्स में हम कैसे टाइपिंग करेंगे, ये जो है 50 मार्क्स जो है रीडर के लिए है, कम डिपोजिशन राइटर जो है पोस्ट है उसके लिए 50 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जो है टाइपिंग शॉर्ट हैंड में अगर स्टेनो में लेता है ना तो उसका 25 मार्क्स दे रहा है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना एक्यूरेसी बनाएंगे, तो कितना मेरा जो है स्पीड होगा, क्या मैं पास हो जाऊँगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसमें जो वर्ड्स है ना 300 और 400 वर्ड फिक्स रहेंगे। हिंदी के लिए 300 वर्ड फिक्स रहेंगे और इंग्लिश के लिए 400 वर्ड फिक्स रहेंगे। ठीक है, आप जो है 300 वर्ड हिंदी में, पहले समझिएगा, हिंदी में 300 वर्ड जो फिक्स रहेंगे ना उसके लिए आपको मैक्सिमम 10 मिनट टाइम मिलेंगे। ठीक है, यानी लास्ट जो है 10 मिनट टाइम मिलेगा, उसी 10 मिनट में आपको 300 वर्ड जो है टाइप कंप्लीट कर देना है। मंगल गेल में टाइप होगा, हिंदी फॉन्ट याद रखिएगा। तो अब ये जो है 300 वर्ड जो है राइट टाइप करना है। ठीक है, यदि आप 300 वर्ड टाइप ना करके आप मान लीजिए 10 वर्ड कम टाइप किए, ठीक है, यानी 290 टाइप किए तो भी आप पास हो जाइएगा। वो कैसे होगा, तो क्योंकि आपके पास जो है 90% एक्यूरेसी है जो कंप्लीट, ये पास के लिए मिनिमम पास। ठीक है, आप जो है 90% यानी 10% इग्नोरेबल है, यानी 10% इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, यानी उसको जो है मिस्टेक माफ किया जाएगा 10%। 10% माने तो 30 वर्ड जो है यहाँ पे 30 वर्ड आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, यह वन सेकेंड, चलिए देखिए 30 वर्ड आपको क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा 30 वर्ड। तो अगर हम टोटल 270 अगर वर्ड टाइप कर देते हैं ना, 270 कंप्लीट टाइप, तो आप जो है पास हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। मान लीजिए 270 वर्ड टाइप किए, आप गलत भी उसमें कर देंगे तो भी आप फेल हो जाइएगा। 270 वर्ड करेक्ट टाइप होना चाहिए, एक्यूरेसी 90% एकदम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, प्लस जो है 270 वर्ड से नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करिएगा आप लोग 300 वर्ड राइट टाइप करने का कोशिश करना है। ठीक है, और कोशिश के साथ साथ जो है आपका एक्यूरेसी 90% से नीचे नहीं आना चाहिए। बैक स्पेस और एरर को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, एरर 30 से अगर ज़्यादा हुआ तो फेल हो जाइएगा, ये है ना जो कुछ है आप। हाँ, अब रही बात की क्या मैं सबमिट पहले कर सकता हूँ, कोई मान लीजिए 300 राइट वर्ड टाइप कर दिया और मेरा टाइप हो गया तब करें क्या, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि सॉफ्टवेयर में, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे लिया जाएगा, यदि आपको सॉफ्टवेयर में 300 वर्ड मान लीजिए टाइप कर दिए और सबमिट का ऑप्शन रहता है तो आप टाइम से पहले, मान लीजिए 10 मिनट का टाइम है, 8 मिनट में कर दिए, 6 मिनट में, तो आप लोग सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यदि रहता है ऑप्शन तो सबमिट पहले, अगर सबमिट करने का पहले ऑप्शन नहीं रहता है तो अब उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप 300 वर्ड टाइप करिए,
है ना, और कंप्लीट ऐसा कोई नोटिस स्पेशल दिया नहीं गया है। मैं जो है एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, है ना, जो नोटिस है उसके आधार पे, जो रिजल्ट के साथ जाएगी उसके आधार पर दिख रहा है कि आपको फिक्स वर्ड रहेंगे उसको जो है ये, क्योंकि मिनिमम पास के लिए आपको ना 90% एक्यूरेसी है, मैक्सिमम में आप एक्यूरेसी बढ़ाइए, है ना, 90 से नीचे एक्यूरेसी नहीं आना चाहिए। तो आप लोग जो है पहले टाइप करके, मान लीजिए टाइप पहले कर लिए 10 मिनट से पहले, तो आप अगर सबमिट का ऑप्शन है ठीक है तो सबमिट कर लीजिए, है ना। उसके बाद मान लीजिए सबमिट का ऑप्शन ही नहीं है पहले तो क्या करें, तो उस कंडीशन में आप कंप्लीट वर्ड टाइप यदि कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है वेट करिए नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है इंग्लिश में क्या होगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या जो है वर्ड हाईलाइट रहेंगे, क्या बैक स्पेस वन वर्ड रहेगा या फुल बैक स्पेस रहेगा, सब देखेंगे हम लोग वीडियो में। तो अब यहाँ पे इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश जो है 400 वर्ड फिक्स रहेंगे, सेम टू सेम इसमें भी वही है, 400 वर्ड फिक्स रहेंगे और 40 का स्पीड वो आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि 400 वर्ड टाइप करिएगा तो हमें जो है 90% एक्यूरेसी रखना है, यानी 10% जो है माफ रहेगा, यानी जो है हमको वर्ड जो है, यानी 40 वर्ड जो अगर गलत भी होता है, 41 नहीं होना चाहिए, 40 से नीचे अगर आप गलती कम करते हैं तो उस कंडीशन में भी पास हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि 40 को वर्ड जो है आपका गलत होता है, ठीक है, अगर एक्यूरेसी 90% बन गया और वर्ड 400 टाइप कर दिए, ठीक है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाइएगा, ठीक है, बस इसके अंडर रहना चाहिए, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो है अब फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक के बारे में एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ऐसे भी बता देते हैं, ठीक है। फुल मिस्टेक मतलब अगर कोई वर्ड छोड़ते हैं या कोई फिगर छोड़ते हैं, फिगर में कॉमा फुल स्टॉप डैश जो है डॉलर परसेंटेज डिजिट जो है 100 ये सारे से जो भी आएंगे ना ये फिगर्स में आएंगे या वर्ड में, अगर ये छूट जाता है ना तो उस कंडीशन में जो है फुल मिस्टेक मानी जाती है। अगर उस वर्ड को रॉन्ग भी कर दीजिएगा ना, है ना, तो उस कंडीशन में फुल मिस्टेक मानी जाएगी। यदि कोई एडिशन वर्ड जोड़ देते हैं फिगर, है ना, तो उस कंडीशन में जो है पैसेज में अगर मान लीजिए नहीं है तो उस कंडीशन में फुल मिस्टेक माना जाता है, समझ में आ गया होगा। हाफ मिस्टेक जो है नो स्पेस, अगर स्पेस करते हैं टू वर्ड्स के बीच में तो वह स्पेसिंग एरर होता है जो कि हाफ मिस्टेक में आता है, ठीक है, यह सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद जो है रंग कैपिटलाइजेशन भी है जो हाफ मिस्टेक में आता है, ठीक है, मतलब कि अगर स्मॉल और कैपिटल लेटर करते हैं तो उस कंडीशन में जो है रॉन्ग कैपिटलाइजेशन में जाएगा लेकिन वो हाफ मिस्टेक में जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कि क्या जो है इसमें स्क्रॉल बार होगा ऑटो, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें जो है ऑटो स्क्रॉल नहीं रहेगा, ठीक है, ये फिक्स आपको खुद से करना होगा, ऑटो स्क्रॉल नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम करेंगे कैसे, तो उस कंडीशन में जो 300 वर्ड हिंदी के हैं ना ये फिक्स रहेगा, आपको स्क्रीन में पूरे एक बार में आ जाएगा, कोई स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो 300 हम इस वर्ड को एक बार में टाइप कर लेंगे, आसानी से कोई स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। रही इंग्लिश में थोड़ा सा स्क्रॉल वन टाइम रहेगा, एक बार करना होगा, ठीक है, क्योंकि 400 वर्ड्स हैं तो वो जो है नेक्स्ट पेज में जाएगा, जो स्क्रीन लुकअप दिखेगा ना मेन स्क्रीन पर जो टेक्स्ट, तो नीचे भी कुछ रहेंगे, ठीक है, तो वह जो है एक बार स्क्रॉल आपको करने की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए स्क्रॉल का कोई टेंशन लेना नहीं है, आराम से टाइप करिएगा आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं, ये जो है स्क्रॉल ख़त्म हो गया, अब क्या हाईलाइट वर्ड रहेंगे कि नहीं, तो हाईलाइट वर्ड जो है नहीं रहेगा, ठीक है, हाईलाइट जो है लाइट में रहेगा, एकदम लाइट में रहेगा, आपको दिखेगा, है ना, लेकिन उतना नहीं दिखेगा लेकिन लाइट में रहेगा, यदि उसको टाइप कर लीजिएगा, है ना, जो वर्ड टाइप कर रहे हैं कंटिन्यू तो उस कंडीशन में दिखेगा, ठीक है, ओनली फॉर लाइट में रहेगा, ये उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। अब हम देखेंगे, जब ये समझ में आ गया तो अब रही बात कि हाईलाइट हो गया तो क्या जो है उसमें जो है ये हाईलाइट का मामला हो गया तो इसमें हम देखेंगे कि क्या जो है स्क्रॉल बार के साथ जो है हम इसमें, तो इसमें क्या बैक स्पेस रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बैक स्पेस जो है वन वर्ड रहेगा, क्या रहेगा, वन वर्ड, वन वर्ड के माने तो क्या होगा, वन वर्ड में मतलब ये होता है कि आप जो वर्ड है उसको टाइप कर दिएगा ना, और टाइप करने के बाद जैसे ही स्पेस दबाइएगा तो अगला टाइप करने के लिए कहेगा, तो आप उसके पहले आप बैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो फुल बैक स्पेस नहीं रहेगा, है ना, वन वर्ड बैक स्पेस रहेगा ओनली फॉर,
जब तक टाइप नहीं करते उसको बैक स्पेस नहीं देते हैं तब तक उसमें जो भी है सुधार सकते हैं। जैसे ही आप स्पेस देते हैं तो उसके बाद जो है कोई सुधार नहीं होगा। ये जो है आप लोग का जो है अब ये ऑथेंटिक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो है अनुभव है कि यही रहेगा, ठीक है, मेरा उम्मीद है कि यही रहेगा। आप लोग जो है खुद पता चल जाएगा, कल 8 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। सबसे पहले स्टेनोग्राफर का है कि रिव्यू आप लोग का आएगा, जरूर वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा इसका रिव्यू, है ना। उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चैनल पे आप लोग बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वर्ड जो है हाईलाइट रहेंगे, लाइट में रहेगा, ऑटो स्क्रॉल नहीं रहेगा, खुद से आपको करना है, ठीक है। वर्ड जो है फिक्स रहेंगे, है ना, स्पीड आपको उसके अंदर करना है अच्छा से। उसके बाद जो है आपका बैक स्पेस वन वर्ड्स रहेंगे, है ना, पूरे फुल नहीं रहेगा, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में, हिंदी जो है रिमिंगटन गेल होता है, इसके लिए वीडियो अपलोड कर दिया गया कि कैसे टाइप होता है हिंदी, है ना, स्पीड कैसे बढ़ाएं, इंग्लिश के और हिंदी दोनों के लिए वीडियो अपलोड किया गया है। सारे कुछ जो है वीडियो मिल जाएंगे आप लोग या तो डिस्क्रिप्शन में या तो चैनल में जाकर, आप जो है वीडियो है प्ले लिस्ट में जो है एक सिविल कोड का प्ले लिस्ट है उसमें भी जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप लोग जरूर हमें जो है कमेंट करके बताइएगा। चलिए बाकी के लिए कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।